कहो हूँ सुमती अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयं समय जेहि हे तो जेहि सुनमि नहीं ते विषाद। गोस्वामी जी बालकांड के अंतर्गत हमें अवगत कराए हैं भैया कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो है उमा और शिव जी के संवाद कहता हूं, क्योंकि बुद्धि से परे हुए हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जाने परम सुजान, भगवान के कथा को अति विचित्र क्यों कहा गया है? तो मुझे ऐसा लगता है हम कुछ भी काम करते हैं वो पूर्णता की ओर है, और ये भगवान की जो कथा पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। मतलब इनके जो आखिरी अंतिम छोर के कोई पता नहीं है। भगवान की कथा को जितना कहोगे उतना आपको और विस्तार मिलेगा, गहराई पे चले जाएंगे, लेकिन अंत मिलने वाले नहीं है। इसलिए कि बुद्धि अनुसार मति अनुसार राम गुण गावा, वह जिस समय और जिस हेतु हुआ है उसे सुनो, ये गोस्वामी जी ने हमें संकेत किए हुए हैं। भगवान राम ने, वो तो ईश्वर है भाई, और ईश्वर को मानव योनि में आने का ऐसे क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि मानव, हम मानव को भगवान खुद उत्तरकांड में कहे हुए हैं साधन धाम मोक्ष के द्वारा, लेकिन हम सब साधनों के धाम हैं मानव, लेकिन भगवान को ऐसे क्यों मानव योनि में आना पड़ा, इसका कारण क्या है? तो आगे भी कुछ चर्चा करेंगे। अब मैं छत्तीसगढ़ी गीत की तरफ उड़ता हूं। अब गुरु जी के विशेष एक आशीर्वाद के रूप में हम बैठे हैं यहाँ, और माहौल बड़ा खुशी हुई कि कम से कम हमारे संस्कृति लाए इसे इसे धन्य विद्वान मन बचा के रखे हैं। तो मैं कुछ छत्तीसगढ़ी गीत आपके बीच